हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्टिशन मनीषा। आज हम आपके साथ एक बहुत ही सुंदर और कल्चरली रिच आर्ट फॉर्म शेयर करने जा रहे हैं। इस आर्ट का नाम है मधुबनी एलिफेंट। फ्रेंड्स, मधुबनी पेंटिंग बिहार की एक ट्रेडिशनल आर्ट है और इसे मैथिली पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह आर्ट फॉर्म प्राचीन काल से घरों को सजाने के लिए मैथिली रीजन में यूज़ होता है। पुराने दिनों में महिलाएं घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जैसे कि फूल, हल्दी, चंदन, पत्तियों के रस, चावल इत्यादि से कलर बना करके अपने घरों को सजाया करती थी। हम इस आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, प्राचीन काल में महिलाएं पेड़ों की पत्तियों एवं पेड़ों की डंठलों को यूज़ करते हुए इस आर्ट वर्क को परफॉर्म करते थे, क्योंकि इन्हें बनाना काफ़ी आसान है, पर कोई भी कला प्रेमी इन्हें देखते ही पहचान जाता है कि ये मैथिली एवं मधुबनी पेंटिंग्स हैं। इंटरनेशनल और इंडियन मार्केट में इनकी डिमांड काफ़ी है और बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स में आपको ये पेंटिंग्स टंगी हुई मिल जाएंगी। सबसे पहले हम बॉर्डर पे वर्क करना शुरू कर रहे हैं और हमने बॉर्डर पे पत्तियों एवं फूलों के आकार से बॉर्डर्स बना दिए हैं। इस सॉलिड कलर्स के साथ में क्रिस क्रॉस लाइन्स और वर्टिकल लाइन्स का यूज़ किया है जो कि मधुबनी को डिपिक्ट करती हैं। हमने सेम पैटर्न फॉलो करते हुए पूरा बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने सेंटर पीस एलिफेंट पे वर्क करेंगे। इसके लिए हम पेंसिल से स्केच बना के उसे फाइन लाइनर पेंसिल डार्क शेप देंगे। एलिफेंट सिंबल है पावर, विजडम, नोबिलिटी, लीडरशिप, लॉयल्टी एंड हारमोनी का। इन सब क्वालिटीज से तैयार होने वाली पेंटिंग आपके घर में एक बहुत ही सुंदर लुक और पॉजिटिव वाइब्स देंगी। अब हम साइड्स को भरने के लिए पेड़ की शाखाएं एवं पत्तियां बनाएंगे। हमें चारों कॉर्नर्स पे स्पेस को मद्देनजर रखते हुए ये पत्तियां ड्रॉ करनी हैं। पत्तियों में भी हमने हाफ शेड कलर्स और हाफ शेड लाइनिंग से दी है। अब हमारा मेन वर्क हाथी पे स्टार्ट होता है जो कि हमारा सेंटर आर्ट पीस है। फ्रेंड्स, हमने फाइन लाइनर पेन का यूज़ करते हुए हाथी को भरना शुरू कर दिया है। पहले हम हाथी को मधुबनी आर्ट स्टाइल में पैटर्न्स बनाते हुए फिल करेंगे। मधुबनी आर्ट फॉर्म मधुबन डिस्ट्रिक्ट जो कि मैथिली में है वहाँ से शुरुआत हुई थी। यह आर्ट फॉर्म इतनी पुरानी है कि रामायण में भी इसका लेख मिलता है। इस आर्ट फॉर्म में जनरली लोग राम और सीता के विवाह, रामायण की दंत कथाएँ, पेड़, पक्षी, मोर एवं हाथी बनाते हैं। इस बीच हमने हाथी के माथे और गले का वर्क कंप्लीट कर लिया है। जैसे जैसे हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो रही है वैसे वैसे इसकी सुंदरता में चार चांद लगते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमने आर्ट के एडजेसेंट पैचेस में डिफरेंट लाइन वर्क का यूज़ किया हुआ है जिससे आपकी पेंटिंग का हर एक पैच वर्क एक डिफरेंट लुक देगा और आपकी पेंटिंग को ग्रेस प्रोवाइड करेगा। जनरली मैथिली पेंटिंग में आइस को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है और सभी पेंटिंग्स में आइस का आकार जनरल आकार से काफ़ी बड़ा होता है। आप मैथिली आर्टवर्क को आइस देख करके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम अपने हाथी को रिचर्ड लुक देने के लिए उसके आउटर बाउंड्री पे एक कपड़े की तरह एक शेप देंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे आर्ट पीस पे अल्टरनेट पैटर्न्स पे वर्क हो ताकि हमारा हर एक पैटर्न उभर करके दिखाई दे। फ्रेंड्स, हमने अपने आर्टवर्क को दिखाए गए तरीके से काफ़ी हद तक फिल कर लिया है। हमें अपने आर्टवर्क में कलर्स का भी यूज़ करना है, इसलिए हम ओवर शेडोइंग नहीं करेंगे और कुछ एम्प्टी स्पेस कलर्स के लिए भी छोड़ेंगे। फाइनली हम अपने हाथी की पीठ पे वर्क करेंगे और एक लीफ का आकार देते हुए उसको एक रॉयल लुक प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, लग रहा है ना हमारा हाथी एकदम जंग के लिए तैयार। देखिए हमारा हाथी बिना रंगों के भी कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसकी खाली जगहों को भरने के लिए फूलों की पत्तियों का यूज़ करेंगे और अल्टरनेट पैटर्न्स को शेड करते हुए अपनी हाइलाइटिंग को कम्प्लीट करेंगे। हमारा हाथी बिना कलर्स के तैयार है। सबसे पहले हम ब्लैक कलर का यूज़ करते हुए इसे एक बेस प्रोवाइड करेंगे।
ब्लैक कलर हमारी पेंटिंग को एक बहुत ही रिचर बेस प्रोवाइड कर रहा है। अब हम इसमें रंगों को भरने का काम शुरू करेंगे। अब हम रेड कलर को यूज़ करते हुए एम्प्टी पैटर्न्स को फिल करेंगे। इसके ऊपर जब हम लाइट शेड्स देंगे तो वो बहुत ही सुंदर और खिलखिल दिखाई देंगे। पर हम यहाँ पे ब्रश पेंस का यूज़ कर रहे हैं। ब्रश पेंस स्केच पेन के कंपैरिजन में काफ़ी इवन लुक देते हैं। फ्रेंड्स, ये ब्रश पेंस एक पेंट ब्रश और स्केच पेन का कॉम्बिनेशन है और ये दोनों का कंफर्ट हमें कंबाइन करके प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको काफ़ी सारा सरफेस कवर करना है तो ब्रश पेन की मोटाई ज़्यादा होने के कारण आपको काफ़ी कम समय में पूरी पेंटिंग कंप्लीट करने में सहायता मिलेगी। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से रेड, ब्लू, ग्रीन एवं ब्राइटर कलर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप कलर कॉम्बिनेशन बढ़ाते जाएंगे, आपकी आर्ट को एक बहुत ही सुंदर लुक मिलता जाएगा। यहाँ हमने एक बहुत ही डिफरेंट कलर जो कि मस्टर्ड कलर है उसे एज अ बेस यूज़ किया है। देखिए, सूखने के बाद ये बहुत ही सुंदर लुक प्रोवाइड कर रहा है। इस बैकग्राउंड के साथ हमारी ड्राइंग कंप्लीट होती है और ये देखिए हमारी ड्राइंग का मनमुग्ध कर देने वाला कंप्लीट लुक। आपको हमारा क्यूट सा मैथिली एलिफेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू आर्टिशियन मनीषा।